हुडकेश्वर थाने में नाबालिग लड़की के किडनैपिंग की रिपोर्ट के आधार पर हुडकेश्वर पुलिस जांच कर रही थी। इसी दौरान एएचटीयू पथक व अपराध शाखा की टीम ने नाबालिग को ढूंढकर अभिभावक के हवाले करने में सफलता हासिल की। लड़की 9 तारीख को रात को घर से चली गई थी। उसकी मम्मी ने 10 तारीख को सुबह आके रिपोर्ट दिया। उसकी मम्मी कैटरिंग का काम करती, इसलिए वो रात को लेट घर पे आई। लड़की घर पे दिखी नहीं थी उसको। उसने सुबह आकर पुलिसन में रिपोर्ट देने की वजह से किडनैपिंग का मामला दाखिला हुआ था। उसके बाद उसका ब्रॉडकास्ट करके उसका वो लड़की को ढूंढने के लिए हमारे पथक वगैरह सब रवाना हुए, कैमरे वगैरह चेक करे। लड़की 10 तारीख को मिल गई हमको। उसका मेडिकल वगैरह हमने किया, लेकिन लड़की के ऊपर ऐसा कोई भी अति प्रसंग या कुछ भी हुआ नहीं था। लड़की एकदम सुगरूप थी और उसको लड़की को उसके माँ बाप के हवाले किया गया। लड़की घर से निकलकर अपने सहेली के साथ मेट्रो में दिन भर घूमी, हिंगना वगैरह ऐसे 2-4 जगह वो मेट्रो में घूमी। और हमारे पूरे लोग कैमरे वगैरह चेक करने के लिए गए एरिया के, बस्ती के, वो जहाँ से वो रोड जहाँ से भी उसका घर से निकलने का रोड था वो पूरे कैमरे चेक किए गए और उसके बाद लड़की का शोध लिया गया। मैं चाहूँगा कि अभी ज़माना बहुत एडवांस है, मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं लड़के और लड़कियाँ, वो हमारे हर छोटे उम्र के बच्चे, और उसके ऊपर से वो उनका एक अट्रैक्शन रहता, तो अट्रैक्शन कम करने के लिए बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम तक बोलना चाहिए माँ बाप ने, और बच्चों को समय समय पर उनको समझाते रहना चाहिए कि ये गलत है और ये सही है। जब तक के माँ बाप अपने बच्चों से बातचीत ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक के ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना चाहिए। महान्यूज़ 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। Lonely Jewelers in Gokulpet, Nagpur is a recognized name in the city since 1992. They have been making the finest pieces of jewelry for over generations.